प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं बी एस सी सेकेंड ईयर की ऑप्टिक्स पार्ट टू इसमें हम लेंस के डिफेक्ट्स यानी कि एब्रिएशनशिप ऑफ लेंसेज की बात कर रहे हैं हमने पिछले लेक्चर नंबर एट में पढ़ा था क्रोमेटिक एब्रियशंस क्या होता है बहुत डिटेल में उसकी स्टडी की थी यानी कि एक तरह का डिफेक्ट है और क्या है यह भी हमने आपको बताया था कि जब लेंस पर व्हाइट लाइट गिरती है तो सभी कलर्स को किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाता है इसी इनएबिलिटी को हम क्रोमेटिक एब्रिएशन कहते हैं दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए लेंस टू फोकस ऑल कलर्स ऑन द सेम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रिएशंस लेकिन अब इस क्रोमेटिक एवरिएशंस को दूर कैसे करें मिनिमाइज कैसे करें रिड्यूस कैसे करें आज हम उन्हीं के लिए कुछ कंडीशंस मैथमेटिकली डिराइव करेंगे मैथड्स ऑफ रिड्यू रिड्यूसिंग क्रोमैटिक एबिरेशन यानी कि आज हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ एक््रोमेटिजम मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे कि उस डिफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकें या कम से कम कर सकें प्यारे बच्चों इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ मान लो दो स्टूडेंट्स हैं एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बोलता है और एक स्टूडेंट बिल्कुल ही कम बोलता है बिल्कुल ही नहीं बोलता है तो ये दोनों ही एक तरह से उसकी कमियाँ ही मानी जाएंगी बहुत ज़्यादा बोलना भी और बहुत ज़्यादा कम बोलना भी अब इसको दूर कैसे किया जाए उन दोनों ही स्टूडेंट्स को एक ही कमरे में रहने के लिए कह दिया जाए तो जो ज़्यादा बोलता है वो उससे कम बोलना सीख जाएगा और जो कम बोलता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा बोलना सीख जाएगा उससे क्या हो गया उन दोनों की वो जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं ठीक ऐसे ही इसी सिस्टम पर हम एक और बात जानते हैं कि ये जो क्रोमेटिक एवरिएशन है ये कॉन्वेक्स लेंस का जो है, का होता है उससे जस्ट अपोजिट नेचर का क्रोमेटिक एवरिएशन होता है कॉनकेव लेंस का यानी अब अगर हम एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दें तो ये क्रोमेटिक एवरिएशन रिड्यूस हो सकता है कम हो सकता है आज जो हम बात करेंगे वो किस क्वेश्चन में कि वाट आर द मैथड्स ऑफ रिड्यूसिंग क्रोमेटिक एब्रियशन या फाइंड द कंडीशन ऑफ क्रोमेटिक एब्रियशंस यानी कि मैं जो बात कह रहा हूँ वही देखिए सपोज कीजिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं और एक कॉन केव लेंस ले रहे हैं इन दोनों लेंसेज को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रख दिया है दोनों ही डिफरेंट मेटेरियल्स के हैं और डिफरेंट इनकी फोकल लेंथ है मैं बताऊंगा कि क्यों हम डिफरेंट मेटेरियल्स ये एक वाइट लाइट रे यानी कि आप कह सकते हैं रे ऑफ व्हाइट लाइट और ये देखिए जैसे ही ये दो कलर्स में स्प्लिट हो जाता है लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों फिर आपस में जाके मर्ज हो जाते हैं और जब सारे के सारे कलर एक ही पॉइंट पर फोकस हो जाते हैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिक एबरेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ अपोजिट नेचर दैट क्रोमेटिक एबरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्केव लेंस। यानी कि जो बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूं कि द क्रोमेटिक एबरेशन, क्रोमेटिक एविडिएशन produced by convex lens is of opposite nature then it is produced produced by कॉन्केव लेंस यानी कि दोनों जो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस क्रोमेटिक एडिशन प्रोड्यूस करते हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं इसलिए व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉन्केव लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर देन द क्रोमेटिक एडिशंस कैन बी रिड्यूस्ड एज सोन इन दिस फिगर अब हम यहाँ पर पॉइंट लिख ले लेते हैं कि लेट सपोज दैट एफ एफ वी एंड एफ आर आर दी फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑफ मीन कलर ये मीन कलर की फोकल लेंथ है ये मैं जब हम सिंगल कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो ये उनकी फोकल लेंथ है ये मीन कलर की ये वाइलेट कलर की और ये रेड कलर की ये मैंने पहले ही बता दिया कि हम ये दोनों लेंस डिफरेंट फोकल लेंथ के ले रहे हैं और डिफरेंट मेटेरियल के ले रहे हैं लास्ट में आपको बताऊंगा ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है हमें क्यों इनकी डिफरेंट मेटीरियल्स लेने पड़ रहे हैं और क्यों हम इनकी डिफरेंट फोकल लेंथ लेते हैं अगर हम इन दोनों की सेम मटेरियल या सेम फोकल लेंथ तो क्या होगा वो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यानी कि शुरुआत में आप क्या लिखेंगे कंसिडरी कॉन्वेक्स लेंस एंड एक कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन ऑफ क्राउन ग्लास एंड कॉन्केव लेंस इज टेकन ऑफ फ्लिंट ग्लास यानी कि ऑफ डिफरेंट मेटेरियल दे हैव द डिफरेंट फोकल लेंस और वो ही मैं यहां लिख रहा हूं आर दी मीन और ये देखिए ये किसके लिए है वायलेट एंड रेड रे ऑफ क्राउन ग्लास क्राउन ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस लेंस रेस्पेक्टिवली यानी कि हमने क्या कहा कि इस कॉन्वेक्स लेंस जो कि क्राउन ग्लास का है उसकी ये मीन कलर के लिए फोकल लेंथ ये वायलेट कलर और ये रेड कलर के लिए और इसी तरीके से इस मैं यहां लिख लेता हूं अब कौन के लेंस की बात कर लेते हैं एफ डैस एफ वी एंड एफ वी एफ आर डैस आर दी फोकल लेंथ फोकल लेंथ मेरे साथ साथ लिखते रहिए आपके नोट्स बन जाएंगे फिर भी अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से उनको डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन आपका यही तैयार हो जाएगा ये देखिए आर दी फोकल लेंथ ऑफ स्लिंट ग्लास मेटेरियल क्योंकि हम अलग अलग ले रहे हैं ग्लास कौनके लेंस कौनके लेंस फोर किस किस के लिए हैं इट इज फॉर मीन कलर मीन रे जो कि मैंने बताया था अगर व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो जो येलो कलर है वो मीन रे है मीन वाइलेट एंड रेड रे रेस्पेक्टिवली ये देखिए ठीक ये आपने लिख लिया है फिर मैं बता रहा हूं आपको कि ये डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट फोकल लेंस की हैं यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला फिर बच्चों आप जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्या है वही यूज कर रहे हैं हम पहले इस कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस ये देखिए वन वाई एफ इजिकल टू म्यू माइनस वन वन और आर वन माइनस वन और आर टू ये देखिए यहां की ये क्या है दिस इज फोकल लेंथ फॉर द मेन रे दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटेल ऑफ दिस आर वन एंड आर टू आर द रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ टू वन ऑफ फॉर दिस एंड अनदर फॉर दिस ये है यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ये देखिए दिस इक्वेशन गिव्स अस दैट वन और आर वन माइनस वन और आर टू इट इज इक्वल टू वन बाई एफ इन टू माइनस वन यानी कि अब आप ये वैल्यू जान गए इक्वेशन नंबर वन अब इसी लेंस मेकर फार्मूले को हम फॉर वायलेट रे के लिए यूज करते हैं फॉर वायलेट रे पहले बच्चों देखिए अगर हम वाइलेट के लिए तो वन और एफ वी कर देंगे हम यहाँ पर एंड इजिकल टू म्यू वी माइनस वन और ये देखिए वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ये वही रहेगा नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ वन और बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू हियर इन दिस प्लेस रख दीजिए आपके पास देखिए क्या आएगा वन और एफ वी इटि तो माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ़ इंटू म्यू माइनस वन ये देखिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो ये है तो इसके स्थान पर हमने ये रख दिया है और दिस इज़ द इक्वेशन नंबर टू ये हमने वाइलेट रे के लिए अगर यही चीज़ हम रेड रे तो यहाँ जहाँ वी है वहाँ पर आर आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ तो वही रहेगी यानी कि फॉर रेड रे यही वैल्यू कितनी हो जाएगी वन और एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस वन डिवाइड बाई एफ इंटू म्यू माइन सिमिलरली जैसे हमने ये वायल्ट रे के लिए लिया वैसे इसको हम रेड दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री यही प्रक्रिया ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए किया है अगर हम इसी चीज को फोर रेड रे के लिए करें यानी कि ये देखिए प्यारे बच्चों आप फोर देखिए ये जो प्रक्रिया है ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज किए अगर इसे हम कौन के लेंस के लिए यूज करें तो फोर कॉनकेव लेंस वही यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्केव इसको मैं एफ डैस कह देते हैं हमने कहा भी है एफ डैस इज फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्केव लेंस फॉर मीन कलर एंड इट इज इक्वल टू म्यू डैस माइनस वन वन और आर वन माइनस वन और आर टू देखिए यहाँ पर ये इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स वगैरह हैं इनको भी हम ऐसे ही डैश लगा देते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि वन और आर वन डैश माइनस वन और आर टू डैश ये देखिए ये कितना हो जाएगा इट इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस वन और आप देख लीजिए एफ इट इज इक्वल टू वन और एफ डैश इन म्यू डैश माइनस वन फॉर रे <coughs> के लिए हम बात कर रहे हैं तो रे के लिए देख प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ये हम कौन के लेंस की बात कर रहे हैं एफ वी डैश इट इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस वन और आप देख रहे हैं कि वन बाई आर वन डैश माइनस वन और आर टू डैश यहाँ पर अब आप वो जो वैल्यूज़ हैं वो रख दीजिए जो हमने अभी आपको बताया कि एफ वी डैश इट इजिकल टू म्यू वी डैश माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ डैश इंटू म्यू डैश माइनस वन ये हमने वायलेट कलर के लिए किया है अगर यही चीज़ इसी तरीके से हम रेड कलर के लिए देखें सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर रेड कलर फॉर रेड रेड देखिए हम अलग अलग फोकल लेंथ निकाल रहे हैं अलग अलग लेंसेज के लिए अलग अलग कलर्स के लिए रेड और वाइलेट के लिए तो रेड रे के लिए यही एक क्या जाएगी वन और एफ आर डेस, इट इज इक्वल टू म्यू आर डेस माइनस वन डिवाइड बाई एफ डेस इन टू न्यू डैश माइनस वन हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यही वैल्यूज वन बाई एफ आर वन बाई एफ आर निकाली अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो डिफेक्ट होता है क्रोमेटिक uh, एब्रिएशंस वो किस वजह से होता है लेंस हैं ये अलग अलग कलर्स को अलग अलग जगह फोकस करते हैं अब हमने इसकी इनको कंबाइंड कर दिया है जब इनको कंबाइंड कर दिया तो वायलट कलर को ये कहाँ फोकस करेगा यानी कि वाइलेट कलर की फोकल लेंथ क्या होगी और आप जानते हैं इस तरह की कंबिनेशन जब दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं जो हमने पहले ड्राइव किया था उसके लिए कौन सा फार्मूला होता है वन बाई एफ वन बाई प्लस वन बाई एफ टू ये दोनों जब एक दूसरे से क्लोज रखे हैं यही फार्मूला अब हम पहले वायलेट रे के लिए यूज करेंगे और फिर हम इसे रेड कलर के लिए यूज करेंगे इस कंबिनेशन के लिए यानी फोकल लेंथ फोर कंबिनेशन यानी कि इन दोनों को कंबाइन करने के बाद पहले हम बात कर रहे हैं फोर वायलेट रे इसके लिए देखिए प्यारे बच्चों वन बाई एफ वी इट इज इक्वल टू वन बाई एफ वी प्लस वन बाई एफ वी डैश ये दोनों ही कॉन्वेक्स के लिए हमने वन बाई एफ ही फाइंड आउट किया था और एफ वन बाई एफ ई डैश हमने कौन के लेंस के लिए तो पुट दिस वैल्यू ऑफ एफ वी एंड वन बाई एफ ई डैश तो चलिए देखते हैं वन बाई एफ ई डैश की वैल्यू ये है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस वन डिवाइड बाई एफ इंटू म्यू माइनस वन ये तो है वन बाई एफ ई जो तो थोड़ी देर पहले हमने यहीं ड्राइव किया था और वन बाई एफ ई डैश की वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं प्लस म्यू वी डैस माइनस वन डिवाइड बाई एफ डैस इंटू म्यू डैश माइनस वन ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो भी इक्वेशन आप इसको देना चाहिए सपोज कीजिए सीधी इक्वेशन वन ये तो वायलेट रे के लिए है। रेड रे के लिए अगर हम इसे निकालना हो तो कैसे निकाल देखिए प्यारे वैक्ट रेड रे के लिए हम कैसे निकालेंगे वन बाई एफ आर इट इज इक्वल टू वन बाई एफ आर प्लस वन बाई एफ आर डैस ये कॉनवेक्स लेंस के लिए है और ये कॉनकेव लेंस है पुट दीज वैल्यूज हियर तो हमारे पास आ जाएगी वन बाई एफ आर इट इज इक्वल टू वन बाई एफ आर कितना था म्यू आर माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ इंटू म्यू माइनस वन प्लस वन बाई एफ आर जो हमने कैलकुलेट किया था अपने अभी पीछे देख लेना म्यू आर डैस माइनस वन डिवाइडेड बाई एफ इंटू म्यू डैस माइनस वन प्यारे बच्चों ये वायलेट कलर की एफ वी क्या है फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन फॉर वायलेट रे एफ आर क्या है फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन फॉर द रेड रे अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग कलर्स को ये कम्बिनेशन मान लो अलग अलग जगह फोकस कर रही है तो इसमें डिफेक्ट है अगर इसमें कोई क्रोमेटिक एडिशन हो ही ना तो फिर ये दोनों ही कलर एक ही जगह फोकस होंगे तो फिर दोनों की जो फोकल लेंथ है वो भी सेम होगी यानी मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है फॉर नो क्रोमेटिक एवेरिएशन क्रोमेटिक ये देखिए एफ वी इज इक्वल टू एफ आर दोनों की फोकल लेंथ और अगर ये सेम है तो इनका जो रेसिप्रोकल है वो भी सेम होगा यानी कि आप ये कह पाएंगे कि वन बाई एफ वी इज इक्वल टू वन बाई एफ आर इसी ये टेन है तो वन बाई टेन वन बाई टेन ये भी बराबर हो जाएंगे अब वन बाई एफ ई और वन बाई एफ आर यानी कि इनकी वैल्यूज़ यहाँ से रख दीजिए ये इक्वेशन वन है मान लो इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह देता हूँ क्योंकि हम रब कर देते हैं तो इक्वेशंस का ऑर्डर वेरी कर सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने हिसाब से जब नोट्स बनाएं तो प्रॉपरली इनको लिखते चले जाएं और मैं पहले ही बता रहा हूं कि नोट्स आप खुद बनाएं जब अपने हाथ से लिखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है और यही आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस ही होता है जो हमें सक्सेस दिलाता है जो हमें आगे बढ़ाता है और बार बार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है ये देखिए म्यू वी माइनस वन डिवाइड बाई एफ इंटू म्यू माइनस वन प्लस म्यू वी माइनस वन डिवाइड बाई एफ़ म्यू डैश माइनस वन इट इज इक्वल टू ये वन बाई एफ ई की वैल्यू और ये है वन बाई एफ आर की वैल्यू इसको हम इसके बराबर लिख रहे हैं ये देखिए म्यू आर माइनस वन डिवाइड बाई एफ इंटू म्यू माइनस वन प्लस म्यू आर डैश माइनस वन डिवाइड बाई एफ डैस इंटू म्यू डैश माइनस वन इंटू म्यू माइनस वन दिस माइनस दिस और इस टर्म को हम उधर लेके जाएंगे तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं म्यू वी माइनस वन ये ट्रम जब लेफ्ट साइड में आएगी तो माइनस साइन के साथ हो जाएगी यानी कि म्यू आर प्लस वन एंड इट इज इक्वल टू ये ट्रम तो इधर है ही देखिए इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि म्यू आर डैस माइनस वन माइनस म्यू वी डैस प्लस वन डिवाइड बाई एफ डैस इंटू म्यू डैश माइनस वन वन सेवन हम लोग कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया है अब देखिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाई एफ इंटू म्यू माइनस वन इज इक्वल टू तो, यहाँ पर देखिए म्यू आर डैश माइनस म्यू वी डैश डिवाइड बाई एफ़ डैस इंटू म्यू डैश माइनस वन इसको थोड़ा हम शोध कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं कि म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन ये दोनों एक जगह हो गया है इंटू वन बाई आर देखिए मैंने क्यों किया मैं अभी आपको बताऊंगा इट इज इक्वल टू माइनस इसमें से हम नेगेटिव साइन को मन ले लेते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड ये देखिए इसमें भी इसी तरीके से म्यू डैश माइनस वन ये एक जगह लिख दिया है और वन बाई एफ डैश ये दूसरी जगह लिख दिया है अब देखिए ये जो एक ट्रम आप देख रहे हैं इसके बारे में आप जानते हैं ये क्या है यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन इट इज इक्वल टू ओमेगा ये आपको हमने पहले बताया था ये जानी पहचानी आपकी टर्म है इसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ दिस लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस इज द डिस्पर्सिव पावर पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइड बाई म्यू डैश माइनस वन इट इज इक्वल टू ओमे इसको हम ओमेगा डैश से लिख देते हैं यानी कि ये क्या है इज द डिस्पर्सिव पावर पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ये इस लेंस की डिस्पर्सिव पावर है अगर ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ लिखें तो ये रिलेशन हमारा इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं क्या बन जाएगी इक्वेशन थ्री बिकम हेयर देखो ये क्या है ओमेगा हम भी लिख देते हैं ओमेगा और ये एफ नीचे है ही एफ इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डैश बाई एफ डैश ये, ये टर्म हमने यहाँ लिख दी है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यानी कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन रिटर्न ओमेगा बाई एफ प्लस डैस बाई एफ डैश एंड इट इज इक्वल टू जीरो है वो इंपॉर्टेंट रिलेशन इसको हम इक्वेशन नंबर फोर कह देते हैं दिस इज द कंडीशन, दिस इज द इक्वेशन यू कैन से फॉर द एक्रोमेटिज्म। दिस इज द कंडीशन जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे When the two lenses are placed in contact of each other, having different focal length and different materials, then this condition is called condition of the condition of achromatism. But this condition kab hai when two lenses of different material and different focal length are placed in contact of each other. कब है ये वेन टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट ऑफ ईच अदर प्यारे बच्चों, बार बार मैं एक पॉइंट यहाँ कह रहा हूं आप देख रहे हैं मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ही लेंस डिफरेंट फोकल लेंथ के हैं एंड डिफरेंट मटेरियल्स के हैं ऐसा क्यों है चलिए देख लेते हैं आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई ऑफ़ डिफरेंट मेटीरियल एंड डिफरेंट फोकल लेंथ टू फाइंड द कंडीशन ऑफ़ चलिए देखते हैं देखते हैं क्या होता है इक्वल तब क्या होगा इन दोनों को बराबर करके देखिए तो तो ये 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 भी भी तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो जीरो दे रहा है दिस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस और इन दोनों का सम जीरो आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव राशि हैं पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटीज हैं पॉजिटिव हैं दोनों इसलिए जब दो पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं तो उनका सम जीरो नहीं हो सकता यानी कि इट इज इंपॉसिबल लेकिन ऐसा ही होगा अगर दो कॉन्वेक्स लेंस जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखे हैं उनकी फोकल लेंथ इक्वल लेंगे तो इसका मतलब है कि इक्वल फोकल लेंथ नहीं हो सकती आप यही लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल शो टू लेंसेस मस्ट बी Of different different focal lengths. चलिए ये बात तो हमें पता चल गई कि भाई फोकल लेंथ तो अलग होनी ही है चलिए ये देख लेते भाई मेटेरियल अलग क्यों वो देख लेते हैं यानी कि दूसरी कंडीशन वो भी करके देख लेते हैं कि वह मेटेरियल सेम है तो फिर सीधी सी बात है उनकी जो डिस्पर्सिव पावर है वो भी सेम होगी यानी कि ओमेगा इजकल टू ओमेगा अगर ये दोनों सेम है तो फिर देखिए क्या होगा अगर ऐसा होगा तो ये दोनों सेम होते ही क्या हो जाएगा वन बाई एफ प्लस वन बाई एफ डैश ओमेगा को मना के जीरो हो जाएगा और यहाँ से हमें पता चल रहा है एफ़ डैश प्लस एफ नीचे क्या हो जाएगा एफ़ एफ, एफ डैश एंड इट इजिकल टू जीरो और इन सबको जब हम लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एफ डैस प्लस एफ इट इज इक्ल टू जीरो क्योंकि ये टर्म तो इधर जाए कि जीरो हो जाएगी और एफ डैश इजकअल टू माइनस एफ यहां से हमें क्या पता चल रहा है यानी कि दोनों की जब हम फोकल से करेंगे इक्वल कर देंगे तो क्या होगा वो देखिए आप इतने से बन जाएगी ये कॉनवेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है क्या बच्चे ये देखिए और इसमें क्या होगा जैसे ही कोई लाइट रे ऐसी आएगी तो ये इसको जितना कन्वर्ज करेगा ये उतना उसको डाइवर्ज कर देगा और लाइट ट्रिप बिल्कुल वैसे ही चली जाएगी और कहाँ फोकस होगी ये इन्फिनिटी पर जाकर फोकस होगी यानी कि ये तो ठीक उसी तरीके से होगा जैसे ग्लास स्लेब होती है मान लो फिर तो ग्लास स्लेब ही रख दो तो ये इस तरह से हो जाएगी यानी कि ये लेंस की तरह काम ही नहीं करेगा ये जस्ट एक सिंपल ग्लास लेंस की ग्लास जो स्लैब होती है उसकी तरह काम करेगा यानी कि वो फोकस ही नहीं होगा कहीं तो फिर लेंस का एक तरह से वजूद ही खत्म हो गया यहाँ पर यानी कि इस केस में क्या होगा कि इफ वी टेक दी सेम मेटेरियल ऑफ दिस टू लेंसेज विच आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर टू प्रोड्यूस कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिजम देन इट फोकस द लाइट एट इन्फिनी एंड इट जस्ट बी हे लाइक सिंपल ग्लास स्लैब इसका मतलब यह है कि द मेटेरियल ऑफ टू लेंसेज कैन नोट बी सेम तो यही वो कंडीशन है इसी वजह से हम इन दोनों लेंसेज को की जो मेटेरियल है वो अलग अलग एक क्राउंड ग्लास का लेते हैं तो दूसरा फिलिंट ग्लास का लेते हैं बट मेटेरियल उनका डिफरेंट होना चाहिए द मेटीरियल of two lenses must be different. इसका मतलब यह है कि ना तो फोकल लेंस सेम होनी चाहिए और ना ही मेटेरियल सेम होना चाहिए और ऐसे दो लेंसेज को जो हम एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो कंडीशन कहलाएगी कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिजम। तो पहला सवाल प्यारे बच्चों आपसे पूछ सकते हैं कि वाट आर दी कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग क्रोमेटिक एवरिएशन या फाइंड द कंडीशन ऑफ एक््रोमेटिजम वेन द टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट ऑफ इच अदर हैविंग डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट फोकल लेंथ प्यारे बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब दो लेंसेज सेम मेटेरियल के कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं तो फिर उसकी कंडीशन अक्रोमेटिज्म की क्या होगी यानी हाउ कैन वी कैन रिड्यूस बाई द टू लेंसेज ऑफ द सेम मटेरियल विच आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस को एक्चुअली तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करवाएगा लेकिन आप जुड़े रहें अपने इस चैनल के साथ और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि इससे आपको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल जाता है जिससे आपको आपका लेक्चर तैयार करने में आसान रहेगा